यूपी के शामली में तमंचे के बल पर युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रेप करने का आरोप गांव के ही दो युवकों पर लगा है। वहीं अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो न्याय की आस लेकर दर दर ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पुलिस की माने तो पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, थाना आए हो आप, दर्जनों लोग हो, एक क्या मामला है? ये लॉन्ड्री का केस है। क्या केस है? वही तो पूछ रहा था। बलात्कार की आज उसने। अच्छा, कौन लोग थे वे? बिरादरी का ही है। अच्छा, कितने लोग थे? दो लोग थे। नाम जानते हो उनके? हाँ। क्या नाम है? एक का कपिल, एक का सोरा। अच्छा, रिपोर्ट करा दी थाने में? हाँ जी, करा दी। क्या कह रही पुलिस? उन्होंने एक लिया, दो थे, कट्टा ले रखा। तमंचे भी था? हाँ, तमंचे। किस वक्त की घटना है? 11:30 बजे। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं दोनों को सजा मिले। कैसी सजा? जेल हो, सजा मिले उनको। ठीक। अच्छा, क्या हुआ थाना आए जो अपने परिजनों के साथ आप? परिजन कहाँ गए थे? परिजन को धक्का दे दिया था, मेरी मम्मी थी मेरे साथ। रिपोर्ट कर दी थाने में? हाँ जी। पुलिस क्या कर रही है? कार्रवाई कर रही है। सर, एक कांदला थाना क्षेत्र के गांव में एक रेप का मामला रहा, क्या प्रॉब्लम? इसमें अभी एक गांव भभीसा है थाना कांदला का, उससे एक पीड़िता ने शिकायत की। उस शिकायत का कंटेंट यह है कि उसके साथ दो सगे भाइयों ने, सगे भाई हैं, उसके द्वारा दुराचार करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी उसी में तथ्य आए हैं कि वो उसके पहले भी एक उनमें से एक लड़के के साथ पहले से भी उससे जान पहचान थी। तो इन सारी चीज़ों को समग्रता में लेकर के मैंने इंस्पेक्टर को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको जाँच करके और विधिक कार्यवाही करें और उस पर उसी हिसाब से जैसे भी साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी इत्यादि की कार्रवाई की जाए, किसी निर्दोष को उसमें न फंसाया जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये मैंने निर्देशित कर दिया।